हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से खेलने वाले वही गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। तो चलो, तो आज हम क्या करेंगे पता है? आज हम करेंगे फार्मिंग। आज हम हमारे घर के पास ही किधर तो एक जगह पे फार्म तैयार करेंगे और उधर उगाएंगे कुछ सीड्स और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो भाई कैसे लग रहे हो? देखो ये मेरा अपीयरेंस है, कैसा लग रहा है? पूरा वो जो नीचे का वो पूरा मेटल का है और ऊपर की जो हेलमेट है वो गोल्ड की है भाई, गोल्ड की। जो गोल्ड हमें लास्ट टाइम मिला था, वैसे तो वो एक्सीडेंटली मिला था, हम गोल्ड नहीं, हम कोबल स्टोन ढूंढने के लिए मिले थे, कि ढूंढने के लिए गए थे क्योंकि हमें बनाना था हमारा नया हाउस। ठीक है, तो चलो देखिए आज क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इस चेस्ट में थोड़ा बहुत बहुत सारा डर्ट ग्रेनाइट ये तो रहने दो। वुडन एक्स का नहीं, वुडन एक्स का लगेगा हम, ये में लगेगा, इसका कुछ यूज नहीं। और यही वो सीड्स है, देखो ये सीड्स है, ये इसी सीड से हम उगाएंगे हमारा फार्म। तो ये फेदर इसका भी कोई यूज नहीं है, और ये गन पाउडर ये लगेगी आगे पूरा, अभी इसका कोई यूज नहीं है बेसिकली। और ये ब्राउन वूल इसका क्या यूज है? ये अंडरस्टैंड, ये डायवर्ट ये रहेगा, ये लेदर का यूज अभी तो नहीं है कुछ। और ये और वुडन प्लैश तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, इससे नशा चढ़ता है भाई। तो ठीक है, दो मैंने आयरन की पिकेस कल ही मैंने बना ली थी, आगे लगेगी। और ये देखो ये दो गोल्ड इंगट इंगट है। अब हमारे पास गोल्ड की बहुत ज़्यादा कमी है, सिर्फ दो ही, वैसे तो सबकी कमी है। तो जल्दी से बाहर निकल, नहीं 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 एक पैर से पहले झपकी ले लेते, नहीं ले सकते भाई। ओके, ये मॉन्स्टर नियर बाय है भाई, निकलो ना यार। कौन है ये पास? मेरी नींद खराब कर रहा है, कौन है ये? कौन? ओ भाई, अबे स्पाइडर, अबे पागल मत ना, अबे घर चल चल अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, बंद 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 बंद, दरवाजा बंद। यार इनकी वजह से मैं सो नहीं रहा, एक काम करता हूँ। नहीं, ये भी नहीं कर सकता ना। तो ठीक है भाई, सुबह तक अब वेट ही करना पड़ेगा, तब तो देखता हूँ और क्या क्या रखना चाहिए। ये सीड्स मैंने क्यों ले ली, ये तो लगेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टिक्स इधर रख लेता हूँ। टॉर्च अभी तो नहीं लेगी, पर ठीक है चलो ले लेते हैं। डोर का भी कुछ कुछ काम नहीं है, और बाकी तो सब इन्वर्टर थोड़ी ठीक से लगा लेता हूँ। अब टाइम पास के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं, चारा नहीं भाई, कुछ चारा ही नहीं, क्या करें। तो ये इधर एक काम करता हूँ, वुडन पिकेक्स है ना, अपने लेफ्ट हैंड में रख लेता हूँ। ओ किधर गया वुडन? वुडन ये लिया मैंने इधर। और ये चलो अब ठीक लग रहा है, एक हाथ में खाना एक हाथ में तलवार। चलो सुबह होने वाली है भाई लोग, क्या हम साहब हम सोचते? अभी भी नहीं सोच सकते, सो सकते यार, थोड़ा खा लेते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत मेरी हेल्प कम कर दी। चलो पेट तो भर गया, अब एक काम करता हूँ मैं, ये इनको भी इधर रख देता हूँ, और बाकी तो सब ठीक है। एक काम करते सबसे पहले ना, फार्म बनाने से पहले काम करते, थोड़ा सा घर को थोड़ा डेकोरेट कर देते। पहले एक काम करूँ मैं, तो थोड़ा आपको घर दिखा देता हूँ, मैंने थोड़े घर पे चेंजेस किए। सो जाना भाई। अच्छा अब तो सुबह हो गई, ये देखो ये मरने लगे, इनका आवाज़ आ रहा है, आई 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 कर रहे। क्या मैं अब बाहर से बाहर आ सकता हूँ भाई? नहीं आ सकता अभी भी कोई तो है। ये देखो ये देखो ये ऊपर, तो ऊपर क्या कर रहा है? अच्छा भाग गया भाग गया, ये हाथ में स्वॉर्ड रख देता हूँ। कोई तो आ रहा है, चलो ठीक है। ये देखो स्पाइडर लोग, और वो आ जाए। अबे तू मारेगा, तेरे को मारना है ना बाहर, क्या मार? चला जा, हाँ अब तेरे रेंज के बाहर हूँ मैं, अब क्या करेगा तू? तो ये देखो ये मेरा फाइनली घर है, अब इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, किधर से एक काम करता हूँ, इधर ही पास में थोड़ा समुद्र है, उधर से थोड़े से सैंड लेके आता हूँ, क्यों व्हाइट कलर के रहते, थोड़ा शार्प
शो बढ़ जाएगा हमारे घर का। सो ये देखो इधर पास ही है, थोड़ी और सीड इकट्ठा करता हूँ क्योंकि फार्मिंग तो करनी है हमें। तो चलो इधर से चलो क्या दिन आ गए भाई। चलो ठीक है ये भी चलेगा, जल्दी जुड़ जा। और थोड़े दस इकट्ठा कर देता हूँ, मतलब ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, हम उस चेस्ट में रख देंगे, पर कम नहीं पड़ना चाहिए। चलो तो इतना काफ़ी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर फिर भी चलेगा, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो अब जल्दी थोड़ा फार्म, इतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें आज फार्मिंग करनी है, पर जितना कर सकते हैं उतना तो ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, किधर लगाओ ये वाइट सैंड को? ओ एक काम करो, कोई तो बॉर्डर पे और लगा देता हूँ इधर, अच्छा लगेगा ये? मुझे पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, पर ठीक है ट्राई करके देख रहे। पूरी बॉर्डर लगा दूंगा एक काम को, तो बाद में हमें जैसे जैसे कलरफुल मिल जाएंगे ना स्टोन, तो वैसे वैसे मैं इसको अपग्रेड करता रहूँगा थोड़ा 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 करके। ये किधर लग गया? ये ठीक है, ये तो इक्वल हो ही गया। चलो अब देखता हूँ थोड़ी लुक कैसे लग रही है। यार इतने भी ठीक नहीं लग रही, पर चलो रहने दो, कुछ बात नहीं। थोड़ा तो कुछ तो अलग लग रहा है। तो चलो बिना टाइम का गवाए जल्दी से फार्मिंग करते। तो किधर फार्मिंग करें? रुको मैं एक काम करूँ, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे जाता हुआ देखता हूँ। आई थिंक फार्मिंग के लिए ये जगह बहुत ठीक रहेगी इधर, क्योंकि पास में पानी भी है और फार्मिंग के लिए पानी तो ज़रूरी है। तो इधर से जल्दी से एक रास्ता थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, और इधर करेंगे हम हमारी फायरिंग, सॉरी फायरिंग नहीं फार्मिंग करेंगे, फायरिंग। क्या यार पबजी ने दिमाग ख़राब कर दिया। तो ठीक है हो जाती है जल्दी। ये इतनी जगह ठीक रहेगी? ओ घोड़े जी ये देखो इधर आना नहीं, पता है क्या, इधर मैं फार्मिंग करने वाला हूँ, इधर आने का नहीं, इधर का कुछ खाने का नहीं, समझा क्या? तेरे को मारूंगा मारूंगा भाई। चलो इतना ठीक है, ये तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्टोन शोवेल है वो ले लेंगे हाथ में, और ये जो पूरी जगह है ना देखो ऐसा उसके इस, अबे अच्छा सॉरी गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, इसको ऐसे नहीं करना होगा, मेरे डर डर किधर गई? चलो अब शॉवेल लेके सिर्फ हमें इस पर लेफ्ट क्लिक करना है। यस
तो ये लो भाई लोग, फाइनली हमने हमारा फार्म का जो डिज़ाइन है वो तैयार कर दिए, आप देख सकते हैं। सो ये रहा पूरा हमारा फार्म, इस जगह पे लगेगा, वो जो सीड्स है वो इधर लगेंगे और जो पानी है इसके बीच में रहेगा। तो पानी लेने के लिए, पानी तो हमारे पास है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके पीछे भी इधर तो इधर भी पानी, तो पानी का कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर इसको लाने के लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहले बकेट, और बकेट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा आयरन। तो चलो जल्दी से जाके हम थोड़ा सा आयरन ले लेते हैं। आई थिंक आयरन चेस्ट में ही होगा, लास्ट टाइम मैंने आयरन वो जो शील्ड बिल्ड बनाने के लिए हमारे लिए तो यूज़ किया था, तो क्या पता आयरन होगा या नहीं, नहीं तो माइनिंग करनी पड़ेगी हमें। तो चलो ये पहले दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, और किधर गए चेस्ट में, तो हाँ ठीक है, नहीं यार ये तो आयरन वो रहे, पर ठीक है चलेगा। हम जल्दी से फर्नेस में इसके इसको डाल के जल्दी से इसको आयरन वोर बना देते हैं। ए भाई, अबे यार क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों का यार, क्या प्रॉब्लम क्या है? और कोई है? ये देखो भाई, इधर से हमारा कितना अच्छा फार्म लग रहा है, और ये घोड़ा इधर क्या कर रहा है? देख तू कुछ करना मत, नहीं घोड़े प्यारे होते हैं, ये ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। चलो कितने बन गए, सबसे पहले मैं काम करता हूँ बकेट की रेसिपी देख लेता हूँ कि कैसे बनानी होती है बकेट। सो ये बकेट, अच्छा तो एक बकेट के लिए तीन चाहिए होंगे, तो हम एक काम करते हैं पूरे के पूरे दो बकेट बना लेते, और ये और एक बनाना चाहिए। चलो इतने बस हो गए। और ये मैंने ये क्यों लेके घूम रहा हूँ मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, अब मैं बनाऊंगा बकेट्स। तो बकेट की रेसिपी तो हमने देख ली है, अबे एक इधर से निकलना, और ये हमने बना दी दो बकेट्स। तो चलो जल्दी इसमें पानी भर लेते हैं। एक काम करता हूँ, इधर वो स्विच लगा देता हूँ, क्योंकि ये हर बार मुझे बंद करने के लग रहा है, तो उधर स्विच अगर लगा दिया ना तो जाता है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा सा पानी ये लो, और एक बकेट ये भर लिया हमने दो बकेट्स, और ये डालेंगे अब इधर हम पानी, ये इधर डालेंगे, और एक बकेट किधर गई, हाँ भी डालेंगे इधर, वैसे ही फिर से दो बकेट भर लेंगे, एक डालेंगे, अबे अबे हाँ ये भी ठीक रहेगा, अच्छा दूसरा भी डालेंगे इधर, सभी सभी जगह डाल देंगे। अब बाद में सिर्फ रह गया है वो सीड्स लगाना। सिर्फ साइड में लाया, नहीं 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 लाया, तो वो भी चीज में रहेगा। अब यार चलो ये ठीक है, चलो पानी तो ज्वाइंट हो गया, अब जल्दी से मुझे सीड्स पहले देखने तो है क्या, नहीं सीड्स नहीं, तो जल्दी जाके सीड ले के आते हैं, और जल्दी से फॉर्म हमारा क्रिएट कर देते हैं बिना कोई ज़्यादा टाइम गवाए हुए। तो सीड्स ये रहे, सीड्स वेट सीड्स, ओके। तो आज हम बनाने वाले गेहूं का खेत। तो हमें इसे ये लग ही नहीं रहा, अच्छा ये थोड़ा गीला होना चाहिए आई थिंक, फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा? रुको रुको मैं काम कर रहा थोड़ा सा, फिर से किधर गया वो शॉवेल लेके, फिर से ट्राई करता हूँ।
ये क्या कर रहा हूँ मैं, पूरा शो बिगड़ रहा है। क्या थोड़ा और पानी चाहिए क्या, ऐसा कुछ है क्या? लग क्यों नहीं रहा ये? मुझे इसको इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। थोड़ा और पानी लेता हूँ, काम करता हूँ। कुछ तो गलत हो रहा है। सो देखो गाइस, फाइनली सुबह हो चुकी है और अब अभी भी मॉब्स है यार आजू बाजू में यार। रात पूरी रात तक सोने नहीं दिया इन्होंने। ये देखो ये देखो ये देखो ये स्पाइडर, इनका कुछ तो करना पड़ेगा यार। कुछ तो अगर कुछ तो मेथड होगी ना, मुझे प्लीज बता देना, कमेंट करना। इधर थोड़ा सीड मिल गया, थोड़ा सीड लेके जाते हैं क्योंकि सीड की कमी पड़ जाएगी मुझे लग रहा है। तो किधर गया हमारा फार्म? तो ये देखो पूरा फार्म पूरा रेडी हो गया है। अब जल्दी से इसको डालते हैं। ये इस तरह से डाला, अभी इधर रह गया। अबे खत्म हो गया ओ, अबे मेरे तो एक फार्म में पूरा खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब जब ये बड़ा हो जाएगा, देखो ये बड़ा भी हो रहा है, जैसे ये बड़ा हो जाएगा ना फिर इसको हम काटेंगे तो हमें इससे घास भी मिलेगी और बहुत सारे सीड्स भी मिलेंगे, तो इसका उस इतना प्रॉब्लम नहीं है। आज तब तक के लिए इतना ही रहते, तो और थोड़ा सीड मिलेगा हमें, और मिल गया और मिल गया। तो ये पूरा घास काट देते और छड़ मिल जाएगा। तो ठीक है, हमें बहुत सारा सीड तो नहीं मिला पर काफी सीड तो मिल ही गया। देखता हूँ, ये देखो इधर 64 मिला और इधर 8। चलो तो 64 को जल्दी भी एडिट में डाल देता हूँ, 8 पहले इधर बाहर में रखता था। अब इसको प्लेस कर देते हैं, इधर एक रहेगा था और कोई नहीं ना। हाँ ठीक है, आप सीधा लाइन लेंगे एक साथ, ये इधर, ये इधर एक रह गया, इधर एक रह गया, इधर एक रह गया। अब इस साइड की बारी, तो इधर भी एक रह गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब और सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत ही। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। सो ये देखो इधर खत्म हो गया, पर हमारे पास अभी भी 8 सीड्स है। और रुक रुक मैं, हाँ ओके यार, हाँ इधर मैं एक शुगर केन का मिलर, मेरे को किधर मिलेगा मेरे को पता नहीं, पर मैं चाहता हूँ शुगर केन इधर लग जाए। अरे इधर नहीं लगती शुगर केन। चलो ठीक है, सीढ़ी लगा लेंगे।
सो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। इंजॉय करना है इस वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अगर आपके पास और कुछ कुछ बड़ी बड़ी आइडिया होंगे उस मॉब से बचने के लिए और ऐसा कुछ भी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे चैनल पे, मेरे को पता है कि अब धीरे धीरे मेरा कंटेंट थोड़ा बेस्ट होते जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।